जिला कांगड़ा के अंतर्गत रैल पंचायत में प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के उद्योग श्रम रोजगार एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री ठाकुर विक्रम सिंह ने की। इस अवसर पर SDM दनवीर ठाकुर एवं DSP LM शर्मा सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने कहा कि जसवां विधानसभा क्षेत्र में हर गांव में समुचित विकास व हर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकता है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर पोलिंग बूथ पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी भाग ले रहे हैं, ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो और विकास की भी समीक्षा हो। अब तक 80 पोलिंग बूथों में ऐसे कार्यक्रम कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार सत्तारूढ़ हुई है, विकास कार्यों को गति मिली है। उन्होंने कहा कि जसवां में सड़कें अच्छी हों, पीने के पानी की व्यवस्था हो और लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके, इसके लिए वो प्रयासरत हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने जसवां दौरे में डाडासिबा में 50 बिस्तरों के अस्पताल की घोषणा की है। वहीं अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के लिए 10 करोड़ की लागत से लेबर रूम भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आने वाले समय में प्रदेश में कई नए तकनीकी शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। और उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में रक्कड़ में फार्मेसी कॉलेज व टेरेस में मॉडल ITI खोल दी गई है। इस अवसर पर उद्योग मंत्री के समक्ष गाँव के लोगों ने करीब 150 समस्याएँ प्रस्तुत की, जिनमें से कुछ का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया तथा शेष का संबंधित विभाग को निपटारे के लिए भेजा गया है। मेरी प्राथमिकताएं जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र आगे कैसे बढ़ सकता है, जहां के लोग जो पिछले लगभग 40 वर्षों से जो स्वप्न सजोए बैठे हैं कि मेरे क्षेत्र के अंदर सड़क अच्छी होगी, मेरे क्षेत्र के अंदर पानी की व्यवस्था अच्छी होगी, मेरे क्षेत्र के अंदर हेल्थ इंस्टीट्यूशन अच्छे होंगे, इन सारी चीज़ों के लिए मैं काम में लगा हूँ। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों आए थे और आपके ध्यान में मैं ये बात लाना चाहता हूँ कि डाडासिबा के अंदर 50 बेडेड हॉस्पिटल बनेगा, सिविल हॉस्पिटल बनेगा। और मेरी बहनें आफ्टर प्रेगनेंसी वो दूसरे स्टेट के अंदर जाती हैं, तो हम यहाँ पर एक लेबर रूम बनाएंगे जिसके ऊपर लगभग 10 करोड़ रुपया खर्चा आएगा। तो हम ये सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर तैयार करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर की है, सड़कें ठीक नहीं हैं, उसकी ओर ध्यान दे रहे हैं। और आप जब जाएंगे आपको पता लगेगा कि ये मंत्री का क्षेत्र है, सड़कें पक्की होनी शुरू हो गई हैं और भी जो इनकी मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं के हल के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। तकनीकी शिक्षा अभी आपके ध्यान में रहना चाहिए, जसवां परागपुर क्षेत्र में आपके रक्कड़ की तरफ मैंने फार्मेसी कॉलेज खोल दिया है और ये जो आपका टेरेस है वहाँ पर मैंने मॉडल ITI की शुरुआत की है। और आगे भी बहुत से टेक्निकल इंस्टीट्यूट हमारे क्षेत्र के अंदर आने वाले हैं आने वाले दिनों। बेरोजगारी के प्रति आपकी क्या योजना? जब इंस्टीट्यूशन बनेंगे, इंडस्ट्री नहीं लगेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आएगा, तो नेचुरली है रोजगार भी मिलेगा। और मैं चिंता कर रहा हूँ सभी लोगों को रोजगार मिले और इस तरफ मैं प्रयासरत भी हूँ। मैंने बड़े बच्चों को सार बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर भी भेजा है और मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश के जो नौजवान हैं जिनको ऐसी उम्मीद है एज इंडस्ट्री मिनिस्टर वो पूरी हो। ज्वाली से दौलत चौहान की रिपोर्ट।